मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को निवाड़ी जिले के दौरे पर हैं। यहां वे गढ़कुंडार महोत्सव में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने शिकायतें मिलने पर मंच से निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर और ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि निवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार, जमीन नामांतरण में लापरवाही, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली और शासकीय भूमि के क्रय विक्रय में हेरफेर की शिकायत मिली थी। शिकायतों पर सीएम शिवराज ने तत्काल हटाने की कार्रवाई की है, साथ ही जमीन से जुड़े मामले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर गढ़कुंडार महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले महाराजा खेत सिंह खंगार के चरणों में शीश झुकाता हूं। वह अद्भुत योद्धा थे। जब मोहम्मद तुगलक ने गढ़कुंडार पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके दांत खट्टे किए। निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहां की जनता की बेहतर सेवा हो, इसका प्रयास हमारे दोनों विधायक भी करते हैं और प्रभारी मंत्री भी करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर शिकायतें मुझे जनता के बीच से प्राप्त हुई है और इसलिए देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसके मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। मुझे यह भी पता चला ओरछा में एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबर मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण में नहीं मिलता है। और बाकी कई जगह मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की। मुझे यह भी पता चला ओरछा में एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबर मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण में नहीं मिलता है। और बाकी कई जगह मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए।